लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए बुरहानपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत ही खकनार पुलिस को पाचौबी से हथियार खरीद कर जा रहे दिल्ली के एक आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली। दरअसल खकनार के पुराने पेट्रोल पंप के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हुए थे, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी विनय आर्य द्वारा तत्काल टीम गठित कर मौके के लिए रवाना किया गया। जैसे ही पुलिस टीम बताए गए व्यक्तियों की तरफ आगे बढ़ी तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से भाग गए और बैग लिए हुए खड़ा 3रा व्यक्ति पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अब्दुल कलाम बताया और बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 10 देशी पिस्टल जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। पिस्टल रखने का लाइसेंस पूछते हुए आरोपी द्वारा नहीं लेना बताया गया, जिसको लेकर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। इसमें आज सुबह के वक्त जब थाना खकनार के थाना प्रभारी आर्य उनको सूचना मिली थी कि जो खकनार में पुराने पेट्रोल पंप के पास में 3 लोग हैं, जिसमें 2 सिटलीगर और एक अन्य व्यक्ति है जो कि कहीं ना कहीं हथियारों का एक्सचेंज से जुड़ा हुआ नाम था। पुलिस द्वारा वहां पर तबीज दी गई थी। तबीज में यह मिला कि उस व्यक्ति को जो वहां पर अंजाम था उसको पकड़ा गया है, उसके बैग की तलाशी ली, यद्यपि दोनों जो सिटली गए थे मोटरसाइकिल से तो भाग चुके थे और उनके जो बैग की तलाशी ली तो उसमें 10 पिस्टल पुलिस के द्वारा बरामद किए गए थे उस व्यक्ति से और उसका नाम जो था अब्दुल सलाम पिता अब्दुल कलाम पिता अब्दुल सलाम है, जो 26 वर्ष का है और मेरठ का रहने वाला है, वर्तमान में दिल्ली में रह रहा है। इस व्यक्ति से पुलिस के द्वारा पिस्टल वगैरह व्यक्ति को उससे पूछताछ की है तो एक दिन पहले आना बता रहा है और ये इन लोगों के साथ में पाचोरी भी गया था और पाचोरी को उसके छोड़ने के लिए आया। इसके ऊपर हमने एक अवैध पिस्टल से संबंधित व्यक्ति की कार्रवाई की गई है। ये अब्दुल कलाम के बारे में जब डिटेल्स पता करने का प्रयास किया गया तो अभी तक जो जानकारी हुई उसके हिसाब से इसके विरुद्ध मेरठ में भी बॉम्ब सेट का केस है और इसके पिताजी के ऊपर भी 8 से 10 केस जो है अवैध आर्म्स के हैं। फिर मिला के ये अवैध हथियारों के तरफ में लगा हुआ था। पुलिस के द्वारा जिन सिप्लीगरों के बारे में जानकारी जुटाई गई जो इसके साथ में वहां से भागे थे, उसमें जो नाम आए ब्रेन पिता रिस्पॉन्स सिप्लीगर है।